वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसको जो है ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे थे नोड जेएस एंड मोंगो डीबी की हेल्प से रिएक्ट जेएस में। ओके, आज हम इसको आगे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने दोस्तों इसके अंदर ये हमने सीखा था कि प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करते हैं, ओके, एंड कैटेगरी को हमने अपलोड करना सीखा था, इसमें पेजिनेशन लगाना सीखा था, ओके। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इमेज को कैसे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं, ओके। एंड हमने इमेज को अपलोड भी किया था, ठीक है ना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। एंड ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा ऑसम चल रही है हमारी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड करता हूँ यूट्यूब पर, ओके। चलिए देना करते हो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि हमने कैसे कैटेगरी को ऐड किया था, ठीक है ना। एंड आज की वीडियो में हम इसको एडिट करना सीखेंगे, एंड कैटेगरी को ऐड करेंगे, एंड प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, ओके। एंड इसमें इमेजेस में वैलिडेशंस वगैरह लगाएंगे, ओके फ्रेंड। चलिए देर ना करते हो, आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये जैसे हमारा स्पेस आ रहा है ना, इसको पहले ठीक करता हूँ। देखिए, ये वाला एड कैटेगरी पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा एडमिन में, SRC पेजेस में, कैटेगरी में, ये रहा कैटेगरी में, एड में, ठीक है ना। एंड इसके ऊपर जो ये कार्ड है, यहां से तो हम एक एक करके यहां पर काम करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। एंड यहां पर देखिए मार्जिन आ रहा है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, MT2। अब देना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले मैंने यहां पर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने देखिए क्या किया यहां पर एडमिन के अंदर, ठीक है ना, एडमिन के अंदर मैंने कैटेगरी में सारे पेज बना लिए। इसी के अंदर ही में हमारा एड कैटेगरी है, एडिट कैटेगरी है, एंड हमारा कैटेगरी का लिस्ट है, ठीक है। एंड इसके अंदर हम हमारा भी अलग अलग है, देखिए कैटेगरी का अलग, कैटेगरी एड का अलग फोल्डर है, तो हम इसको एक में ही कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले इसको एक में ही हम कर लेंगे। तो मैंने इसके अंदर ये कैटेगरी का एड है हमारा, तो मैं इसको रीनेम करूंगा एड कैटेगरी, ओके। ये एड कैटेगरी हमारा, इसको कॉपी करूंगा एंड इसी महीने में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया एड कैटेगरी, ठीक है। एंड इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। एंड अब आऊंगा अपने इसके अंदर जो राउट है हमारा, इसको फिक्स करते हैं। ये कैटेगरी एड है, देखिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर कैटेगरी एड ये रहा, एंड इसका URL चेंज कर देंगे, कैटेगरी के अंदर पेजेस में, कैटेगरी में एड कैटेगरी, ठीक है। एंड चेक करते हैं जरा एक बार रिफ्रेश करके, एंड मैं आऊंगा कैटेगरी पे, कैटेगरी लिस्ट, ओके, एंड एड कैटेगरी। देखिए ये परफेक्ट वैसे ही हमारा काम कर रहा है, ठीक है ना, ओके। एंड यहां पर अब ये कैटेगरी का तो हो गया, एंड एक एडिट का भी ले लेंगे पहले। इसी को मैं कॉपी करूंगा एंड इसी के अंदर ही पेस्ट करूंगा, एंड इसका रीनेम करूंगा एडिट कैटेगरी, ठीक है। एडिट कैटेगरी हमने कर दिया, एंड यहां पर हम इसका नेम चेंज करेंगे एडिट कैटेगरी, एंड नीचे भी इसका नेम चेंज होगा एडिट कैटेगरी, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारा ये जो एड कैटेगरी है ना, देखिए यहां भी इसका नेम चेंज करना पड़ेगा हमें, एड कैटेगरी, एंड नीचे भी हमको एड कैटेगरी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहां पर एडिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा, ये रहा, ये एड के लिए हो गया। एंड यहां पर मैं इसको ऊपर कर दूंगा, ठीक है ना, ये ऐड हो गया, ये एडिट हो गया, ये आईडी से जाएगा, ठीक है, आईडी भी जाएगी वहां पर। एंड यहां पर एडिट कैटेगरी, ओके, एंड ऊपर जाएंगे यहां पर एडिट कैटेगरी, एंड यहां पर एडिट कैटेगरी, ठीक है। एंड अब हम यहां पर
क्या करेंगे, ये कैटेगरी का जो पेज है हमारा, इसमें हमारा जो यहां पर इस पर क्लिक करते हैं ना, दिखाता हूं मैं अभी आपको। मैं कैटेगरी पे जाऊंगा, कैटेगरी लिस्ट, एंड मैं पहले एक कैटेगरी ऐड ही कर लेता हूं ना। देखिए, तो मैं जैसे यहां पर एडिट पर क्लिक करूंगा ना, तो ये मॉडल खुल रहा है, तो मेरे को ये मॉडल नहीं चाहिए अब, ठीक है। तो मैं यहां पर जाऊंगा एंड ये जो डायलॉग है हमारा, ये कंप्लीटली डिलीट कर दूंगा, ठीक है। एंड यहां पर हमारा ये डायलॉग हटा देंगे यहां से, ठीक है। जो जो हमारा यूजलेस है उसको हम हटाते हुए चलेंगे, क्लीन करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो हमारा यहां पर ये हटा देंगे, एंड ये चेकबॉक्स भी नहीं है यहां पर, एंड ये सारा हटा देंगे हम यहां से, ठीक है ना। एंड इसके बाद ये हमारा एड इमेज का भी है, ये भी हटा देंगे, एंड चेंज इनपुट ये भी हटा देंगे यहां से, एंड हैंडल क्लोज ये भी हटाएंगे यहां से, एंड उसके बाद इस लोडिंग ये भी हटाएंगे, एडिट फील्ड्स अभी देखते हैं जो जो हमारा होगा, ठीक है, वो हटाते रहेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहां पर ये डिलीट का हो गया, ये हमारा व्यू का हो गया, ठीक है ना, एडिट के लिए। तो हम ये ऑन क्लिक हटा देंगे यहां से, एंड इसके अंदर एक लिंक टैग लगाएंगे, स्लैश स्लैश कैटेगरी एडिट, ओके। एंड इसको मैं ऐसे लूंगा, एडिट के अंदर आइटम डॉट आईडी, ठीक है। देखिए ऐसे लिया मैंने, राव कैसे बनाया, कैटेगरी एडिट के अंदर ये आईडी, ठीक है ना। एंड यहां पर मैं इसे बंद करूंगा, एंड इसे कट करके यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड ये जो मैंने फंक्शन बनाया था एडिट कैटेगरी के नाम से, ये रहा, ठीक है। इसको मैं डिलीट यहां से हटा दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं रिफ्रेश करता हूं, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो देखिए ये एडिट का ये फॉर्म खुलेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एडिट कैटेगरी पे जाऊंगा, यहां पर लिखूंगा एडिट कैटेगरी, ठीक है, ओके। एंड अब हम यहां पर कैटेगरी का ऐड करने का फंक्शन लगा लेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से, कि कैसे हम यहां पर काम करते हैं। तो दोस्तों यहां पर एम्प्टी जीरो कर देंगे यहां पर, ये मैंने एम्प्टी जीरो कर दिया यहां पर, थोड़ा स्पेस कम होगा, चलिए स्पेस तो बाद में डालेंगे हम। अब देखिए ये हमारा ऐसा आ रहा है, तो मैं पहले ना, ये तो बन गया हमारा, एंड कैटेगरी एडिट का बन गया, ओके, एंड लिस्ट का बन गया, और क्या बन गया, ठीक है, इतना ही, दो ही फाइल है, ठीक है ना इसके अंदर। अब देखिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कैटेगरी ऐड कैटेगरी से, मतलब अभी क्या हो रहा है इसके अंदर, हमने देखिए इमेज ये भी अपलोड कर रहे हैं ना, तो यहां पर हमारी सर्वर के अंदर वीडियो भी अपलोड हो गई है, देखिए वीडियो MP3 जो भी है, बट इसको हमें रोकना है, तो वो कैसे रोकेंगे देखिए, ठीक है ना। तो मैं यहां पर कैटेगरी ऐड कैटेगरी पे जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या काम किया, सबसे पहले ठीक है, ये तो सही है हमारा। एंड देखिए ऑन चेंज को मैं कॉपी करूंगा कंप्लीटली, मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे करके किया, ऐसे ऐड कैटेगरी पे आएंगे, ये हमारा ऑन चेंज की फाइल है, इसको मैंने रिप्लेस किया। एंड देखिए इसमें इसमें मैंने क्या काम किया है, मैंने जैसे ये एक एक फाइल, मान लो मैंने दो फाइल यहां पर सिलेक्ट करी है, ठीक है, तो लूप में चलेंगे, वो एक एक करके आएंगी, एंड तुरंत चेक करेगा क्या ये इमेज है, इमेज JPG NPNG है, तो ही ये यहां पर अपलोड करने देगा, ठीक है ना, ओके। एंड सब कुछ वही है, मैंने बस इसको ना इफ कंडीशन में डाल दिया है, ठीक है सारा। एंड अगर इमेज फाइल नहीं है ना वो, तो यहां पर एक एरर आ जाएगा, एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें लिखा होगा प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड JPG और PNG इमेजेस फाइल, ठीक है। एंड अब देखिए चेक करते हैं, ये कह रहा है सेट सिलेक्टेड फाइल्स, एंड सेट सिलेक्टेड फाइल्स क्या है हमारी, ये रही, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं इसका एक स्टेट ले लूंगा। देखिए मैंने ये क्या, मैंने ये क्यों किया है,
अगर ये इसके अंदर आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई हमने कोई फाइल सेलेक्ट करी है, ठीक है ना, हमने पहले इसको फॉल्स कर रखा है, देखिए, ठीक है ना, एंड जैसे हमने उस फाइल को सिलेक्ट कर लिया, इसको हमने ट्रू कर दिया। इसका रीजन मैंने इसको क्यों लिया है, अभी आपको जब मैं एडिट करूंगा ना, जब पता लगेगा, ठीक है। बाकी सेम टू सेम वही है, ठीक है ना, अगर हम इमेजेस हमारी अपलोड होती है तो अलर्ट मैसेज आएगा कि इमेज वो अपलोडेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, देखिए मैसेज यहाँ पर आ गया, प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड जेपीजी और पीएनजी इमेज। एंड मैं यहाँ पर अब कोई इमेज करता हूँ, तो देखिए इमेज यहाँ पर आ गई है, एंड मैसेज भी आ गया, इमेज अपलोडेड, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड यहाँ पर कोई हम अपलोड भी कर लेते हैं, ठीक है, देखिए परफेक्टली यहाँ पर हमारा अपलोड भी हो चुका है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जाने के बाद अब देखिए हम एडिट पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर थोड़ा हम स्पेस करते हैं, राइट कंटेंट, यहाँ पर 86 कर देंगे, ठीक है ना। एट कर दो। सो हमारा देखिए ऐसा आ रहा है, एंड थोड़ा सा मैं इसको, ये कार्ड देखिए हमारा ऐसा आ रहा है, ठीक है, कार्ड कार्ड PT4। तो ये हमारा किस में है, एडिट में, एंड एड में भी वही होगा हमारा एड। तो ये हमारा एड कैटेगरी है, एंड इसके अंदर MT0, ठीक है। एंड यहां पर आते हैं हम, अच्छा वो सही था हमारा, ठीक है ना। तो देखिए यहां से मैंने पहले कैटेगरी को एड में से भी स्पेस सही कर दिया मैंने, ठीक है ना। एंड यहां से मैं एडिट पे आता हूं, तो मैं एडिट पे भी यहां से हटा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, एंड यहां पर प्रॉपर तरीके से ये आ चुका है, ठीक है दोस्तों। एंड अब देखिए जैसे ही हम यहां पर एडिट पर क्लिक करेंगे ना, ये पेज में आएंगे, तो यहां पर डेटा फिल होकर मिलना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो वो कैसे हम करते हैं, देखिए एडिट पर आएंगे हम, सो यहां पर ये इंपोर्ट करेंगे, यूज पैरम्स, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे, यूज पैरम्स को यूज करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहां पर ये आईडी मिल जाएगी हमें एडिट पे, सो हमको यहां पर आईडी मिल गई है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, यूज इफेक्ट के अंदर एक यूज इफेक्ट बनाएंगे इसका, ठीक है। एंड ये तो यूज इफेक्ट वो वाला चल रहा है, एक यूज इफेक्ट ऐसा ये वाला बनाएंगे जिसमें हम डेटा गेट करेंगे जिस कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर फेच डेटा किया, ठीक है, उस आईडी से वो डेटा हमारा निकल के आएगा, एंड इस सेट कैटेगरी नाम में, इस सेट कैटेगरी का जो हमारा स्टेट है उसमें जाके हमारा सेव हो जाएगा। तो मेरे को ये स्टेट भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइल्स के अंदर मैंने यहाँ पर एड कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद ये कह रहा है कि फैच डेटा फ्रॉम एपीआई इज नॉट डिफाइन, इज नॉट ए फंक्शन, ये मैंने ये कर लिया। अब देखिए यहां पर मैंने क्या काम किया, वो पहले एरर को फिक्स करते हैं, ये तो आना ही नहीं चाहिए था। अब देखिए अब नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, जो मैंने इमेजेस यहां पर सिलेक्ट करी थी, देखिए इमेज आ रही है, एक इमेज थी यहां पर ना, तो इसको हम फिक्स करते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया था, मैंने मैंने एपीआई को कॉल किया, यहां पर देखिए नेटवर्क पे जाऊंगा, देखिए इस आईडी से रिलेटेड मैंने यहां पर डेटा को फेच किया, एंड देखिए हमको डेटा पूरा मिल रहा है, इसकी आईडी, इसकी इमेजेस, इसका नेम वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो मिल गया, हमने इसमें सेव कर दिया, ठीक है दोस्तों। एंड यहां भी हमने सेट फॉर्म फील्ड्स में क्या करा, हमने नेम एंड कलर, एंड हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू में, ये रहा वैल्यू हमारा, यहां पर वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी हमें, वैल्यू फॉर्म फील्ड्स डॉट नेम, ओके, एंड सेम टू सेम यहां पर फॉर्म फील्ड्स डॉट कलर। एंड हम देखिए रिफ्रेश करेंगे तो हमें डेटा यहां पर फिल होके मिलेगा, देखिए इनपुट बॉक्स में। देखिए दोस्तों हमारी जो एक कैटेगरी की एडिट वैल्यू है, ठीक है ना, ये, एंड यहां पर बस हमारी ना इमेज नहीं आ रही, वो देखिए इमेज क्यों नहीं आ रही, मैं भी आपको बताता हूं। मैं इसको यहां से लेता हूं,
ठीक है ना। एंड इसको मैं कम करता हूँ, इमेज बॉक्स मैं पूरा ही ले लूंगा, मैं ये वाला फंक्शन कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड नीचे आता हूँ ये वाला। अब देखिए मैंने यहां पर ये लगाया है, अब मैं यहां पर रिप्लेस करता हूँ, इस सिलेक्टेड इमेज इज नॉट डिफाइंड, एंड ये भी स्टेट मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैंने यहां पर ले लिया ये, देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर ये अब आ रहा है। एंड ये कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जब मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट चलाया, ठीक है ना, देखिए मैंने ये यूज इफेक्ट चलाया, ठीक है ना, ये डेटा मैंने इसमें फिल कर दिया, सारी कैटेगरी का डेटा इसमें आ गया हमारे। एंड नेम में हमने नेम डाल दिया, कलर में हमने कलर डाल दिया, एंड रह गया हमारी इमेजेस। एंड सेट प्रीव्यूज के अंदर मैंने ref.images जो आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमारी नीचे आ रही है ना ये हमारी प्रीवियस रेंडर हो रही है, प्रीवियस नाम की स्टेट है उसके बेस पे रेंडर हो रही है वो, ठीक है। तो हमने क्या काम करा इसमें, हम मैंने ये ऐड कर दिया। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर क्या काम करा, ये इस सिलेक्टेड इमेजेस हमारी फॉल्स है, ठीक है ना। एंड मैंने यहां पर देखिए क्या लगाया, अगर इस सिलेक्टेड इमेजेस अगर ट्रू है तो यहां पर इमेज आएगा ओनली, ठीक है ना, वरना अगर ये हमारी सिलेक्टेड इमेजेस है ना, अगर सिलेक्टेड इमेजेस नहीं है तो यहां पर ये यूआरएल के साथ आएगी, ठीक है, क्योंकि यूआरएल के साथ वही तो आएगी। अगर मैं एडिट पेज पे गया दोस्तों तो वहां पर फिल होकर मिलनी चाहिए पहले वाली इमेज विद यूआरएल, तो ये वही है, ठीक है। मैं अगर इसको देखिए ओपन करूंगा तो ये देखिए यहां से आती है अपलोड के अंदर ये वाली, ठीक है। एंड अब अगर मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर लूंगा ना ये वाली, देखिए तो यहां पर देखिए ये हट गई है, ठीक है ना, तो ये हमारी हट गई है ऐसे, तो ये यहां पर ये वाली है, ठीक है ना। तो ये जो इसकी ऑन चेंज है ना, ऑन चेंज को मैंने कंप्लीटली कॉपी कर लिया, सेम टू सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, ठीक है ना। देखिए सो मैंने यहां पर क्या काम किया हुआ है, देखिए ऑन चेंज करेगा, एंड ये ऑन चेंज जब मतलब इस सिलेक्ट फाइल हमारी जब भी होंगी ये वाली, जब कोई हमारी इमेज जेपीजी पीएनजी एंड वो होगी, ठीक है ना। देखिए ये बाकी कोड सेम था, मैंने बस इसको इफ कंडीशन में ही डाल दिया, एंड इसको सेट इमेज फाइल को इसके अंदर डाल दिया मैंने। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर, ये हमारा सर्वर चल रहा है प्रॉपर, देखिए रन हो रहा है, ठीक है। एंड ये हमारा डेटा आया, अब मैं यहां पर कोई ये वीडियो सिलेक्ट करी तो यहां पर एक आईडी आ गई, मतलब अलर्ट आ गया, ठीक है। एंड मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा ये वाली फाइल, देखिए प्रॉपर अब ये चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। एंड मैं इसे अब अपलोड करूंगा ना तो यहां पर देखिए मैं अपलोड कर दूंगा तो ये अपलोड हो गई है। एंड मैं आपको ना एक चीज और दिखाऊंगा पहले करके, ठीक है ना। मैंने अभी इसको डिलीट कर दिया सारी, एंड मैं यहां से भी इनको कंप्लीट डिलीट कर दूंगा इमेजेस को, ठीक है ना। अब मैं आऊंगा इसके राउट में, ठीक है दोस्तों, मैं राउट में आऊंगा, सर्वर में आऊंगा, राउट में कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। अब मेरा अपलोड का ये काम करना है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने अपलोड में इसमें क्या किया था, मैं इसको क्लोज करता हूँ पहले, एंड मैं इसको बंद कर दिया, मैंने एडमिन को बंद कर दिया, सर्वर को ओपन करा, एंड कैटेगरीज, ठीक है ना। एंड देखिए अपलोड्स का मैं कंप्लीट कॉपी कर लूंगा, एंड इसको रिप्लेस, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखिए क्या करूंगा, मानो मैं यहां पर एक नई कैटेगरी ऐड करता हूं, ठीक है, जस्ट ए मिनट, एडिट कैटेगरी आईडी इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये वाली ये रहा, ठीक है ना, इसको ऊपर लेना हमको, इसको मैंने दोबारा रन कर दिया सर्वर को, देखिए सबसे पहले मैंने एक लिया कैटेगरी एडिट आईडी, ठीक है ना। एंड उसके बाद जैसे ये अपलोड पे कोई फाइल हमारी सिलेक्ट कर लेगा ना तो यहां पर हिट होगा, एंड मैं चेक कर लूंगा क्या ये एडिटेबल एडिटेबल है। देखिए मानो मैंने एक कैटेगरी में
मैं एक न्यू कैटेगरी ऐड कर लूँ पहले, एक ये वाली मैंने एडिट कर ली, अपलोड कर ली मैंने, ठीक है ना। अब देखिए, अब वो मैं अगर मैं ये भी इसको डिलीट करता हूँ एंड इसको भी, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको कर दिया अपलोड, यहां पर ये इमेज आ गई, ठीक है। एंड अब मैं अगर इसे दोबारा से सिलेक्ट करूंगा ना, अगर मैं इसको एडिट करता हूं दोबारा से, तो हमारी ये फोल्डर से भी डिलीट हो जानी चाहिए इमेज। तो देखिए, मैं और कोई सा ये सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, ये आ गया यहां पर। मैं देखिए, अब मैं अपलोड करूंगा, देखिए यहां से लेकिन ये हटी नहीं अभी, तो यहां से क्यों नहीं हटी, ये कैटेगरी से, ठीक है। मैं दोबारा करता हूं जरा, देखिए अब मैं एक कैटेगरी अपलोड करूंगा, मैंने ये वाली कर लिया, ठीक है ना, ये मैं जा गई है। अब मैं इसको एडिट करने जा रहा हूं। अच्छा, ये एडिट का फॉर्म है, एक बार चेक करता हूं, ये हमारा डिलीट क्यों नहीं हुई। अच्छा, ये हमारे डिलीट नहीं हुई, एंड में अगर अपडेट करूंगा, देखिए यहां पर मैं पहले इस एंट्री को डिलीट कर दूंगा यहां से, देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पोस्ट है, ठीक है, मैं पहले ना ऐड वाली पे कर लेता हूँ, ऐड वाली पे, मानो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये यहां पर आ गया, इसको मैं डिलीट मारता हूँ, ये यहां पर आ गया। अब मैं ये नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए ये वाली, मैंने सिलेक्ट करा, देखिए, एंड वो भी रही है अभी, ये भी रही है, क्यों, ये एडिट तो हो रही है, बट यहां से अनलिंक क्यों नहीं हो रही, जबकि मैंने यहां पर इसको अनलिंक के लिए बोला हुआ है। मैं चेक करता हूँ कैटेगरीज पे जाता हूँ पहले, ये कैटेगरी कौन, अच्छा ये राउट है ना हमारा, अच्छा मैं सर्वर को अगेन रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने क्या काम किया, मैं ऐड करता हूं इसे पहले। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा ना इमेज को, तो ये राउट हमारा हिट होगा, ठीक है, कैटेगरी के अंदर ये। अच्छा एक काम मुझे एक और करना है, मेरे को इसको ओपन करना है, ये वाला एडमिन के अंदर SRC में पेजेस में कैटेगरी में ऐड कैटेगरी, ठीक है। एंड इसका जो ये ऑन चेंज है ना, देखिए कैटेगरी में अपलोड, ठीक है, राउट भी सही है, कैटेगरी में अपलोड, ठीक है, एंड ये ऑन चेंज फाइल पे आई हम, ठीक है बिल्कुल। एंड यहां से ये हमारा एरर भी दे रहा है, ठीक है ना। अब मैंने यहां पर कोई फाइल सिलेक्ट कर लिया, एंड यहां पर ये अपलोड भी हो गई है, ठीक है, एंड यहां पर ये अपलोड हो गई है, एंड इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको एडिट करूंगा यहां से, ठीक है ना। अब मैं एडिट पे जाता हूँ इसके, एड एंड एडिट पे जाऊंगा, तो मुझे सेम टू सेम ये यहां पर करना पड़ेगा। सिलेक्टेड फाइल्स, एंड सिलेक्टेड फाइल्स क्या आई हमारी, अच्छा सिलेक्टेड फाइल्स ना ये है, एंड यहां पर मैंने सिलेक्टेड फाइल्स एंड
इस सिलेक्टेड फाइल्स इन सिलेक्टेड फाइल्स हो गई है। सो देखिए यहां पर ये इमेज है, ये डिलीट भी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। एंड मैं जब इसको हिट करूंगा, ठीक है, तो हमारा ये राउट हिट होगा हमारा, एंड ये राउट जब हमारा हिट होगा, ठीक है ना, यहां पर ही चेक करेगा क्या ये अनडिफाइंड नहीं है, मतलब कि हमारा ये एडिट टेबल ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हमको एक चीज इसलिए नहीं हो रही है हमारी कि हमको ना यहां पर राउट में गए, मैं इसमें जाता हूं, देखिए ये कर लिया हमने, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे इसलिए देना है क्योंकि जब मैं इस राउट पे आऊंगा ना, तो मैं ये बता दूंगा इसको, हाँ भाई ये हमारा, इसमें मैंने एक आईडी भेज दी है, ठीक है ना। आईडी वो वाली, ये वाली, अगर मैं इस पेज पे आता हूँ तो ये आईडी इसमें सेव हो जाएगी, ठीक है ना। एंड जैसे ही मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा, ये चेक करेगा अच्छा ये अनडिफाइंड नहीं है, तो यहां से ये इसको अनलिंक कर देगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद ये सिर्फ ओनली ये अनलिंक का है, इमेज डिलीट करने का, ठीक है, फोल्डर से, बाकी तो प्रोसेस। एंड में देखे चेक करता हूँ, ये इमेज आ रही है, मैंने और कोई फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, देखिए फ्रेंड्स वो डिलीट हो गए, ये नई फाइल आ गई है, ठीक है ना। तो मैं इसको अब पब्लिश कर देता हूँ, वेरी गुड, कितना बेहतरीन आ गया, ठीक है ना। एंड ये कैटेगरी का ये कौन, अच्छा दो इमेज है ना यहाँ पर। अब मैं इसको दोबारा से मैं कोई और इमेज लाऊंगा, मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, एंड मैंने देखिए ये वाली इमेज ले ली, एंड वो हटके हमारी ये आ गई है, तो यहाँ पर सेव, ठीक है दोस्तों। एंड ये क्यों हो गई हमारी, अब ये क्यों चली गई वापस, अच्छा मैं पहले यहां से डिलीट करता हूं, अब मैं एक कैटेगरी ऐड करूंगा दोबारा, नई कैटेगरी, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, एहो मैं एक नई कैटेगरी ऐड करूंगा, ठीक है दोस्तों। एंड यहां पर ही चल गया हमारा, वेरी गुड, मैंने ये इमेज लिया एंड इसको मैंने अपलोड कर लिया, ठीक है ना। एंड उसके बाद मैं इसको अब एडिट करूंगा, ठीक है ना। मैं एडिट करने पे मैंने ये आइकन चेंज कर दिया, एंड यहां से भी वो डिलीट हो गई इमेज, एंड देखिए ये अपडेट, वेरी गुड, ठीक है ना। बट यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ये कैटेगरी हमारी ना ऐड हो रही है, मतलब अपडेट नहीं हो रही। यहां पर एक चीज में प्रॉब्लम है, यहां पर ऐड कैटेगरी में देखिए, यहां पर क्रिएट नहीं होना चाहिए, यहां पर एडिट होना चाहिए, ठीक है, एडिट कैटेगरी। एंड इसके अंदर हमारा होगा एडमिन में, एडिट कैटेगरी में देखिए हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, ना कि ऐड वाला, ये फंक्शन कॉल होगा एडिट वाला, ठीक है। एंड उसमें क्या होगा हमारा एपीआई में, एडिट में आईडी, ठीक है ना, ये वाली कॉल होगी, एडिट वाली एपीआई जो हमने यहां पर बनाई थी, ये एडिट वाली, ठीक है। इसमें यूआरएल जाएगा एंड फॉर्म डेटा, ये अपडेटेड डेटा जो होगा हमारा वो जाएगा साथ में, ये रहा, ठीक है। एंड उसके बाद सेम टू सेम सब कुछ ओके हमारा, ठीक है। एंड मैं दोबारा इसे इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये इसलिए हमारी अपडेट पे भी न्यू कैटेगरी बन रही थी हमारी ना, तो मैंने क्या कम करा, इसको सब कुछ हटा दिया। अब मैं दोबारा प्रॉपर चेक करूंगा एक बार, मैं कैटेगरी को एक न्यू कैटेगरी बनाऊंगा, इमेज आ गई है, वेरी गुड, यहाँ पे इमेज आ गई है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको अपडेट करूंगा, एंड यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया डेटा, एंड इमेजेस को इसी और सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। देखिए वो इमेज डिलीट हो गए, यहां पर आ गई है, एंड सेव, ये क्या हुआ, इमेज यूआरएल इज नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा इमेज यूआरएल ये रहा, इसके अंदर होगा कैटेगरीज में, ठीक है। तो हमारा, मैं पोस्ट में जाऊंगा,
अपलोड में ये रहा हमारा इमेज एरे आएगा, ठीक है ना। सो जो हमारा ये एडिट वाला है ना, ये रहा देखिए इमेज एरे, क्रिएट में कर रहे थे एंड एडिट वाले में अलग नाम है, ये रहा ठीक है, इसका एरर है ये। तो मैं इसको दोबारा चलाऊंगा दोस्तों, एंड क्योंकि यहां पर ये एरर आ गया था एंड हमारी इमेजेस चली गई है प्रॉपर, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया एंड यहां से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं दोबारा से एक न्यू कैटेगरी ऐड करूंगा, देखिए अगर एक बन जाएगा ना हमारा तो सारा बन जाएगा। मैंने ये ले लिया एंड अपलोड, ठीक है। सो यहां पर देखिए ये डेटा आ गया हमारा एंड यहां पर इमेज भी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। एंड अब मैं इसको ना एडिट कर लूंगा, देखिए देखिए मैंने इसको एडिट करा एंड मैंने एक दूसरी इमेज चूज करी, देखिए ये चूज हो गई, यहां पर ही हट गया एंड ये वाला आ गया एंड अपडेट। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पूरा डेटा अपडेट हो चुका है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो हमने प्रॉपर काम इसका कर लिया, ठीक है ना। एंड मैं दोबारा एक कैटेगरी ऐड करके दिखाऊंगा आपको, देखिए मैं अगर यहां पर पब्लिश करता हूं तो यहां पर भी हमको वैलिडेशंस लगानी है, ठीक है ना। देखिए मैं यहां पर कुछ नहीं करता हूं तो यहां पर इमेज की भी वैलिडेशंस लगानी है हमको, देखिए। बट इमेज को हमने सिलेक्ट नहीं करा, जब भी ये सिलेक्ट हो चुका है ये, ठीक है ना। तो मेरे को यहां पर क्या करना है, जब मैं कैटेगरी को ऐड कर रहा हूं ना, ऐड कैटेगरी, ठीक है ना, तो उसमें मेरे को ये भी देना है कि इस सिलेक्टेड फाइल्स फॉल्स है, ठीक है ना, क्योंकि हमको ये भी तो लगाना है। ऐड कैटेगरी में गया मैं, ऐड कैटेगरी ये रहा एंड यहां पर लगा दिया वो इस सिलेक्टेड फाइल्स। एंड ये इस सिलेक्टेड फाइल्स कहां से आया, ये किस स्टेट है एंड ये हमने इस सिलेक्टेड को ट्रू किया था जब हमने कोई फाइल को सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर यहां पर वैलिडेशन लग जाएगी। मैं सिलेक्ट करूंगा, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं करी एंड देखिए प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स, ठीक है। अब मैंने इसको भी फिल कर लिया तो ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। एंड देखिए प्रॉपरली ये हो गया। अब मैं इसको एक बार और एडिट करके दिखाता हूं आपको, ये आ गया इमेज एंड अपडेट, देखिए दोस्तों बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है ना। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये इसलिए यहां पर एरर आएगा क्योंकि वो हमारा पहले एरर आया था और ये हमारी कैटेगरी अपलोड हो गई थी, ठीक है ना, गलती से। तो मैं यहां पर आऊंगा दोबारा इसको डिलीट करूंगा, मैं सब डिलीट कर दूंगा एक बार। अब मैं प्रॉपर एक बार और टेस्ट कर लेता हूं इसको। मैं पहले देखता हूँ यहां पर एक इमेज है, इसको डिलीट कर दिया एंड मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इवरा एंड अपलोड, ठीक है, ये अपलोड हो गया। एंड एक और मैं अपलोड करता हूँ, ये अपलोड करा, ये आ गया, ठीक है। एंड अब मैं वैलिडेशन चेक करता हूँ, ठीक है, अब भी आ रहा है वैलिडेशंस, अब भी आ रहा है वैलिडेशंस, ठीक है। एंड ये वाला मैंने चेक कर लिया एंड देखिए प्रॉपर ये तीन कैटेगरी हमारी आ चुकी है, ठीक है। एंड अगर मुझे ये वाली कैटेगरी अपडेट करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड इसकी इमेज चेंज करूंगा, ये रहा, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या काम करा, ये मैंने एडिट कर दिया डेटा को, ठीक है, पूरा एंड सेव। देखिए फ्रेंड्स वो यहां से हटके इमेज भी ये अपडेट हो गई है। तो हमारा कैटेगरी का मॉड्यूल पूरा कंप्लीट है, ठीक है ना। हमने इसमें एडिट किया एंड डिलीट किया एंड कैटेगरी को ऐड करके देखा हमने। एंड मैं यहां पर उसको देखिए मैंने डिलीट भी हो रही है यहां से भी, ठीक है ना। एंड अब आती है बारी हमारी प्रोडक्ट को ऐड करने की, मतलब उसमें एडिट करने की, ठीक है। तो मैं यहां पर सारी फाइलें को बंद कर दूंगा, ठीक है ना। एक तो कौन सी फाइल ओपन करूंगा पहले मैं, प्रोडक्ट वाली, मैं यहां भी प्रोडक्ट वाली फाइल ओपन कर लूंगा, ठीक है। सो ये एडमिन वाली है, ये प्रोडक्ट वाली, ठीक है। तो सेम टू सेम
जो मैंने आपको वहां वहां बताया सेम टू सेम काम यहां भी होगा, ठीक है ना। देखिए सेम टू सेम काम वही होगा, ये अनलिंक करने का, ठीक है। एंड एक तो यहां पर ही हो गया, एंड नीचे भी एक पुट में था, अच्छा राउटर डॉट गेट में था, ये रहा, ठीक है। एंड हमने इसको राउटर डॉट गेट में भी कर लेंगे, यहां पर। एंड यहां पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब हम प्रॉपर चेक करते हैं इसको, ठीक है। एंड इतना तो हमने कर दिया अभी के लिए। एंड यहां भी एक आएगा वेरिएबल, ठीक है। राउट तो हमने क्लियर कर दिया, हमको क्या करना था, एक तो अपलोड राउट पे करना था काम, ठीक है ना। एंड ये आईडी चाहिए थी हमको, सो मैंने यहां पर आईडी यहां पर गेट कर ली है, ठीक है, ये रही। एंड अब आती है बारी उसकी, एडमिन में आएंगे, एसआरसी में, पेजेस में, ये प्रोडक्ट के अंदर भी ऐसे करना है मुझे, जैसे मैंने कैटेगरी में किया ना, ऐड कैटेगरी, एडिट कैटेगरी, तो मेरे को ऐसे करना है यहां भी। तो मैंने ये प्रोडक्ट अपलोड को मैंने क्या काम किया, कहां गया, ये प्रोडक्ट अपलोड को मैंने पहले रीनेम किया एड प्रोडक्ट, ठीक है ना। एड प्रोडक्ट को मैंने यहां से कॉपी कर लिया एंड यहां पर पेस्ट कर दूंगा, ओके। एंड यहां से डिलीट कर दूंगा, ये प्रोडक्ट अपलोड यहां से डिलीट हो जाएगा। एंड मैं आऊंगा इसके ऐप के अंदर, सो ये प्रोडक्ट अपलोड है, ठीक है। एंड यहां पर जो ये होगा ना प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर होगा वो, ये प्रोडक्ट के अंदर एड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इसको मैं ओपन करके देखता हूं जरा, वेरी गुड, यहां पर हमारा प्रोडक्ट अपलोड का पेज भी ओपन हो गया है, ठीक है ना। अब इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर, ठीक है ना, एक एक करके। तो जैसे ही हमने उसमें किया है ना, सेम टू सेम काम हमको यहां पे करना होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको एडमिन में ओपन कर लूंगा, पहले एड के अंदर ही काम कर लेंगे एक एक करके। देखिए ऐसे ही राउट बनाएंगे हम इसके अंदर, प्रोडक्ट एड। सो इसके अंदर मैं एक तो ये कॉपी करूंगा, ये रहा यहां पर, ठीक है, इसे यहां पर पेस्ट करूंगा। एंड देखिए यहां पर ये प्रोडक्ट का एड है क्या ये, हाँ ये सही है हमारा, ठीक है ना। तो एड में तो सिर्फ हमको वैलिडेशन ही लगानी है ना, तो चलिए हम वैलिडेशन लगाते हैं पहले। तो ये जो ऑन चेंज वाली है ना, ये रही, मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूंगा, ऑन चेंज फाइल पेस्ट, ठीक है ना। अब यहां पे क्या एरर देगा, ये दिया हमको एरर सेट, क्या नाम है, सेट सिलेक्टेड फाइल, ये लेना, ठीक है ना। देखिए जैसे काम हमने वहां पे किया है ना, वैसे काम हमको यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। सेट सिलेक्टेड फाइल इसलिए हमने किया है कि जब हम इसको, इसका मतलब यह है कि हमने कोई फाइल यहां पर सिलेक्ट की है, ठीक है ना। अगर नहीं की तो, अगर नहीं की तो वैसे आएगा, ठीक है। सिर्फ हमको ये एडिट के लिए चाहिए, ये सिर्फ ओनली। एंड यहां पर तुरंत चेक कर रहे हैं क्या ये इमेज पीएनजी एंड जेपीजी, तो ठीक है अपलोड कर दो, वरना यहां पर एक एरर दे देंगे, ठीक है, वरना यहां पर एक एरर दे दिया, ठीक है। एंड चेक करते हैं प्रॉपर, अब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, देखिए यहां पर एक एरर भी आ चुका है, ठीक है।
अब मैं कोई एक प्रोडक्ट अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए हमारा ये प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है एंड ये तो कैटेगरी की इमेज है हमारी पहले वाली, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट पे गए, ये हमारा एक प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। एंड इसके बाद अब हमको इसको डिलीट करना है, वो सॉरी एडिट करना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर गए, ठीक है। एंड यहां पर देखिए ये है, तो यहां पर हम लिंक लगाएंगे यहां पर, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट्स, स्लैश प्रोडक्ट के अंदर एडिट स्लैश एंड यहां पर आइटम डॉट आईडी, ओके। एंड यहां पर इस बटन को क्लोज कर देंगे यहां पर लिंक को, ठीक है ना। देखिए दो तो लिंक क्यों बंद हो रहे हैं, ये एक लिंक ये रहा, एक लिंक ये रहा। तो देखिए यहां पर कुछ एरर है आइटम डॉट आईडी में, अच्छा ये ठीक है। ये चीज यहां पर गलत है, लिंक टू मैंने बैक टिक लिया एंड इसमें पेस्ट। अब चेक करते हैं, देखिए अब मैं इसको होवर करूंगा ना तो नीचे देखना यहाँ यहाँ पर आईडिया आ रही है, ठीक है। तो देखिए ये प्रोडक्ट का एडिट पे मैंने राउट नहीं बनाया, तो यहां पर हम जाएंगे ये प्रोडक्ट अपलोड एंड यहां पर प्रोडक्ट में एडिट एंड कॉलन आईडी, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एडिट प्रोडक्ट, अभी एडिट प्रोडक्ट का यहां पर पेज नहीं बनाया हमने, ठीक है। तो हम यहां पर इसको कॉपी करेंगे एंड इसी को यहां पर पेस्ट कर देंगे एंड यहां पर इसका रीनेम करेंगे एडिट प्रोडक्ट, ओके। एंड इसके अंदर यहां पर एडिट एडिट प्रोडक्ट है, सो ये जैसे हमने प्रोडक्ट अपलोड किया ऐसे यहां पर एडिट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इसके बाद इसके अंदर है प्रोडक्ट के अंदर एडिट प्रोडक्ट, ठीक है। सो मेरे को यहां पर इसका नाम ठीक करना पड़ेगा, एडिट एडिट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए मैं आता हूं प्रोडक्ट्स के अंदर, ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहां पर ये प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट के अंदर हमको एडिट के अंदर क्या करना पड़ेगा, यहां पर एडिट एडिट प्रोडक्ट, ठीक है। अब सेम टू सेम हमको यहां पर वही काम करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहां पर इसको कॉपी पेस्ट किया था रीनेम करके, तो यहां पर तो हमारा लग गया होगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखिए अपडेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं सब कुछ पहले क्लोज करता हूं एंड यहां पर आऊंगा एडिट प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो इसको पेरेंट्स लेंगे, यूज पेरेंट्स को मैंने यहां पर इंपोर्ट किया, ठीक है ना। एंड उसके बाद मैंने यहां से आईडी गेट करी यूआरएल से, ठीक है। एंड ये आईडी जैसे आई ना हमारे पास, अब उसके अंदर हमको ये गेट करना है, एक यूज इफेक्ट लगाना है हमको, एक और ये फंक्शन के यूज इफेक्ट के अंदर ये फंक्शन कॉल करना है, डेटा फैच करना है हमको बाय आईडी, ठीक है ना। आईडी हमको मिल चुकी है एंड यहां पर हम क्या करेंगे, सेट फॉर्म फील्ड्स के अंदर हमको डेटा हमको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। हमने यहां पर
फील्ड्स में हमने सेट कर लिया। तो देखिए मैं यहां पर इसको अभी दिखाता हूं, इसको कमेंट करता हूं, मैं इसको भी कमेंट करता हूं सब कुछ, ठीक है ना। एंड ये क्यों एरर दे दिया इनने, अच्छा यहां से यहां तक मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये सेट प्रोडक्ट्स बोल रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को यहां पर एक स्टेट लेनी है सेट प्रोडक्ट्स की, जो ये एडिटेबल प्रोडक्ट है वो किस में स्टोर होएगा हमारा, इसके अंदर, ठीक है ना। एंड अब देखिए मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, या नेटवर्क में जाता हूँ एंड हिट करता हूँ इसको। देखिए दोस्तों हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है सिंगल प्रोडक्ट का, ठीक है, बाय आईडी से हमने गेट किया था, तो ये यहाँ पर आ चुका है, इसके अंदर ये रहा, ठीक है। एंड फिर मैंने जैसे यहाँ पर डेटा आया, मैंने क्या काम किया, ये जो हमारी ऊपर फॉर्म फील्ड थी ना, ये वाली, इनमें मैंने फिल कर दिया कि नेम में नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन में ये सारा, ठीक है, ये सारा आ गया। एंड रेटिंग वैल्यू के अंदर जो ये रेटिंग थी ना हमारी, इसको हटा देंगे, ठीक है। देखिए देखिए अब यहां पे इसमें तो डेटा आ गया हमारा, ठीक है ना। एंड देखिए सब में डेटा हमारा आ चुका है, ठीक है दोस्तों। मैंने यहां पर रेटिंग में भी सेट कर दी, जो रिस्पॉन्स में रेटिंग आ रही है सब कुछ मैंने सेट कर दिया। एंड प्रीवियस के अंदर भी हमने आरएस इमेजेस को सेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए नीचे आते हैं हम, ये रहा प्रीवियस वाला, ठीक है ना। तो प्रीवियस वाला यहां पर कोड थोड़ा चेंज है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा, ठीक है। मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया। अब देखिए यहां पर क्या चीज है, यहां पर देखिए मैंने इसको एडिट वाले पेज पे ये बताया, क्या ये एडिटेबल एडिट वाला पेज है या नहीं है, तो ये कैसे पता लगेगा हमको, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा इसको हमको यहां लेना पड़ेगा, अब देखिए यहां पर इमेज यू ये कैसे आ गई पता है, मैंने एक स्टेट लिया है इस सिलेक्ट इमेजेस, ठीक है ना। एंड ये मैंने कहां पर सेट करी है मैं आपको दिखाता हूं। एंड इसका ऑन चेंज कॉपी करना है हमको पूरा, ऑन चेंज तो वैसे हमने पहले भी कॉपी कर ही लिया था, ठीक है ना। ठीक है अब बता, अब दिखाता हूं मैं अभी आपको। तो मैंने यहां पर क्या स्टेट ली थी, ये वाली ली थी सिलेक्टेड इमेजेस, ठीक है। तो जब मैंने इसको इमेज को सिलेक्ट करा, ठीक है ना, तो ये ट्रू हुआ हमारा, यानी कि मैंने इसको इमेज को सिलेक्ट करा तो ट्रू हुआ। एंड यहां पर मैंने देखिए क्या किया हुआ है, लॉजिक क्या लगाया हुआ है मैंने यहां पर, अगर ये मेरा ट्रू है ना तो ये वाली ही वैल्यू जाएगी इमेज, वरना इसमें यू आर लग के आएगा प्रॉपर, ठीक है ना। तो अभी देखिए इमेजेस तो ट्रू, इमेजेस तो हमारी फॉल्स है, तो ये हमारा यू आर लग के आ रहा है पूरा, ये लॉजिक है हमारे, ठीक है। ये कितना अच्छा थंबनेल मैंने बनाया हुआ है, देखा ना आपने। एंड इसको प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर एक एरर दे देगा अगर मैंने अदर फाइल चूज करी है तो, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरी फाइल्स ऐड कर लूंगा इसके अंदर, ये वाली देखिए प्रॉपर, ये क्या आ रही है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको ना डिलीट करने के लिए इमेज नहीं मिल रही। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट में गया, ये प्रोडक्ट लिस्ट है हमारी, जो कि अभी कोई लिस्ट है नहीं हमारी, देखिए अभी भी ये बंद है सर्वर, ये सर्वर हमारा चालू हो गया। एंड देखिए
ये डेटा हमारा आ गया, क्योंकि इसमें इमेज नहीं है तो ये डिलीट करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिक्स करते हैं अभी हम। तो हमको पहले एक प्रोडक्ट यहां पर ऐड करना पड़ेगा न्यू दोबारा। जैसे हमने कैटेगरी में काम किया है ना, सेम टू सेम वही काम है इसके अंदर, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है इसके अंदर। एक बार अगर कैटेगरी का आप कर लोगे तो इजली यहां पर कर लोगे काम आप। मैंने ये वाली सिलेक्ट करी एंड इसको मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको देखिए एडिट करता हूं। देखिए डायरेक्ट अगर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं सेव कर रहा हूं ना, तो देखिए वो यहां पर एक चीज गड़बड़ हो गई है दोस्तों, कि ये हमारा ये जो फॉर्म है ना एड वाला हो रहा है, यहां पर मेरे को एडिट करना पड़ेगा, एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, एंड यहां पर जाएंगे, यहां पर भी एडिट प्रोडक्ट हो गया। ओके, एंड यहां पर यहां पर तो फंक्शन का नाम ही चेंज है, ऑन चेंज फाइल, यहां भी देखिए ये रहा। ठीक है ना, तो मुझे यहां पर क्या करना है, एडिट डेटा कंप्लीट कॉपी कर लूंगा मैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे पोस्ट डेटा नहीं करना, मुझे एडिट डेटा करना है। ठीक है, सेम टू सेम द प्रोडक्ट इज अपडेटेड, एंड उसके बाद ये सारा हमने ऐसे कर दिया एंड उसको प्रोडक्ट पे वापस भेज दिया। एडिट डेटा इज नॉट डिफाइंड, कहां पर 3 डबल 1। अच्छा ये रहा, तो मैंने यहां पर इसको इंपोर्ट भी कर लिया। देखिए दोस्तों, अब मैं पहले इसको डिलीट करता हूं। ये एरर हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको प्रोडक्ट नहीं मिला। मैं आपको प्रॉपर दोबारा से करके दिखाता हूं। ठीक है, मैंने कैटेगरी भी यहां से इसको भी मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। पहले पहले कैटेगरी को रिमूव करता हूं, एक बार बन जाएगा तो प्रॉपर चलेगा हमारा फिर। ठीक है, एंड इसको भी हम रिमूव कर देंगे यहां से, मोंगोडीबी के यहां से। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर एक न्यू कैटेगरी को ऐड करना है। पहले तो मैंने एक कैटेगरी को ऐड किया पहले। ठीक है, ये हमारी ऐड हो गई, यहां पर इमेज भी आ गई है। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, कोई न्यू प्रोडक्ट को ऐड करना है। ठीक है ना, तो चलिए मैं प्रोडक्ट को मैं ऐड करता हूं। मैंने पहले से इसको इसलिए बना के रखा दोस्तों, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाती। ठीक है, एंड ये हमारा प्रोडक्ट का है हमारा। ठीक है, देखिए ये हमारा न्यू प्रोडक्ट आ गया। अब मैं इसको ना एडिट करता हूँ यहीं से। मैंने ये एडिट करा, सारी डिटेल्स यहाँ पर देखिए आ गई है। ठीक है ना, एंड मैं इसकी इमेज चेंज करूंगा। अब मैंने ये दोनों इमेज ले ली। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, अनलिंक। अच्छा ये जो ऑन चेंज का है ना फंडा, ये पोस्ट डेटा तो अनलिंक कैसे हो रहा है यहां पर, अनलिंक का फंक्शन तो है ही नहीं यहां पर। ऑन चेंज फाइल, अनलिंक कहां पे हो रहा है यहां पर, क्योंकि यहां तो अनलिंक तो यहां पे हो रहा है, तो वहां लिंक क्यों नहीं हो रहा। देखते हैं इसमें क्या इशू है। मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूँ, इस प्रोडक्ट को यहां से।
तो मैं पहले एक प्रोडक्ट को अपलोड करूंगा। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसको एडिट जब मैं कर रहा हूं, ठीक है, एंड जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना, तो ये वाली इमेज हमारी रिप्लेस हो जानी चाहिए। तो देखिए वो कैसे होगा, एंड मैं इसके ऑन चेंज पे आता हूं पहले। अच्छा, मैंने इसको सिलेक्ट करा तो ये गया मेरे उस पे, क्या नाम है, सर्वर वाली फाइल पे गया, ये रहा, ये इस पे गया, ठीक है ना, इस पे आएगा ये। इस पे आएगा ये अपलोड वाली पे, ठीक है ना, एंड ये चेक करेगा अपलोड आईडी, अगर मिली है इसको तो ये अनलिंक कर देगा, वरना इसको सेव कर देगा। तो देखिए हम चेक करते हैं एक बार, ठीक है। सो मैंने क्या काम करा, एक दूसरी इमेज लेते हैं कोई और, मैंने ले लिया, ठीक है ना, एंड देखिए वो रिप्लेस हो गई हमारी। अब क्या बोल रहा है, वन सेवेंटी, अच्छा हमको ये पुट वाला ये सब कुछ हटाना पड़ेगा ना, दोबारा चलाना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि हम क्लाउड नहीं है अभी यूज नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने सब हटा दिया। एंड यहाँ से ये जो लिमिट है ये भी हटा दिया, ये प्रॉपर अब हमारा चल गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। तो मुझे यहां से पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉपर मैं ऐड करता हूं, देखिए ब्रांड में ब्रांड आ गया, प्राइस में एंड ओल्ड प्राइस में ये, एंड मैं ऐड करता हूं तीन इमेजेस, ठीक है ना, वो तीन इमेजेस यहां पर आ गई हैं, इस पर आता हूं पहले। अब मैं इसको ना एडिट करूंगा, अब मैं इसकी इमेज को एडिट करके दो इमेज रखूंगा ओनली। सो ये एरर क्या बोल रहा है, अनलिंक, यहां पर देखिए लॉजिक एक्चुअल में क्या है। मानो अभी इसमें हमारी दो इमेज थी, ठीक है, अब हमने कर लिए इसको सिलेक्ट तीन, तो यहां पर आएंगे इस सारा, इसको ये प्रोडक्ट की इमेजेस मिल जाएंगी, ओके, एंड यहां पर चेक करेगा एक एक करके, ठीक है ना, मानो दो थी तो ये दो बार चलेगा एंड इस फोल्डर में से दो बार रिमूव कर देगा, सही तो है लॉजिक ये। तो मैं एक और दोबारा करके देखता हूँ अपलोड, देख क्या पता ये मल्टीपल इमेजेस में अब क्या नाम एरर आ रहा हो। मैंने पहले ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड अपलोड, देखिए ये हो गया। अब मैं इसको एडिट करूंगा ना, सिंगल इमेज ही यूज करूंगा अभी, लेकिन मैंने सिंगल इमेज यूज करी, एंड देखिए यहां से वो हट गया, ठीक है, ये प्रॉपर चल रहा है मेरा, लेकिन अब क्या हुआ। अच्छा, इमेज यूआरएल इज नॉट डिफाइंड, पुट के अंदर ये हमारा क्रिएट में है, ठीक है।
अब मैं दोबारा चेक करता हूँ, कैटेगरी वाला तो हमने कर लिया काम। मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट और ऐड करूँगा, मैं सिंगल करूँगा, पहले सिंगल अपलोड हो गया। अब मैं इसको सिंगल ही इमेज से अपडेट करूँगा, इसकी इमेज ओनली, ये कर लिया मैं, ठीक है। देखिए ये हमारी प्रॉपर चल रही है, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ मल्टीपल इमेज ऐड करूँगा, तो ये मैं ये रहना हमारा मल्टीपल में आ रहा है आई थिंक। देखिए है ना, मल्टीपल में ही आ रहा है। सो ये एरर देखिए क्या है, होम डॉट जेपीजी। ये एरर कैसे, मतलब ये सिंगल फाइल में सही चल रहा है। एंड मल्टीपल फाइल में क्या हो गया इसको पता नहीं, यहां पर आता हूं पहले, यहां चेक करता हूं। पहले एक था मानो, अब मैं दो करता हूं। अच्छा एंड फिर ये हिट होएगा हमारा पोस्ट डेटा, ठीक है। ये हमारा हिट होगा यहां पर, ये हमारा हिट होगा यहां पर, ठीक है। एंड जो भी हमने अपलोड किया है वो यहां पर पहले अपलोड होएगा। एंड फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया, ये मैंने रखा है, रखा वहां पर, देखो जरा, ठीक है रखा है मैंने यहां पर। फिर मैंने उस प्रोडक्ट को गेट किया, ठीक है ना, उसकी इमेजेस यहाँ पे निकाली। जरा मैं इसको ना कंसोल लॉक करता हूँ, इमेजेस, ठीक है। एंड देखिए जब मैं किसी इमेज को सिलेक्ट करूंगा ना, तो वहां पर ये इमेज सिलेक्ट यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में आनी चाहिए हमारी, ठीक है। मानो मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया तीन इमेज को, अब क्या बोल रहा है ये, अच्छा ये प्रॉब्लम है। तो पता है हमको क्या करना है यहां पर, ठीक है, ये हमारा अनलिक हो गया, हमको ये ब्लैंक कर देना है यहां पर, ठीक है ना, इसकी प्रॉब्लम है आई थिंक ये, ठीक है। देखिए अब प्रॉपर चेक करते हैं हम एक बार, मैं अब कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूं, ये आ गया। एंड ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। अब मैं इनकी जगह सिर्फ एक ही इमेज अपलोड करूंगा सिर्फ, देखिए प्रॉपर ही चल रहा है वो हमारा, ठीक है ना, देखिए प्रॉपर चल रहा है हमारा ये। तो मैं अभी सब कुछ रिमूव करके ना आपको दोबारा दिखाता हूँ, तो ये प्रोडक्ट डिलीटरी ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट की लिस्ट है हमारी, ठीक है ना, एंड यहाँ पर जो हम डिलीट कर रहे हैं ना, ये डिलीट प्रोडक्ट, यहाँ पर फॉल्स करेंगे एरर को। एंड ये चीज़ हमारी वो डैशबोर्ड में भी है, ठीक है, एंड फॉल्स, ये ग्रीन में आना चाहिए ना हमारा, ठीक है ना। तो मैं यहां से पहले इनको डिलीट कर दूंगा सारे प्रोडक्ट को। ये दिक्कत दोस्तों ये थी, मैं आपको दिक्कत बताता हूं कि
हमारा वो कहेंगे ये रहा, ठीक है ना। देखिए ये हमने एक वेरिएबल ले रखा था, ठीक है ना, एंड जैसे ही हम एडिट वाले पेज पे जाते थे इसमें वैल्यू असाइन होती थी, यहां पर ये वैल्यू हमारी असाइन हो गई, ठीक है ना। अब हम मान लो हम प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे हैं दोबारा, ठीक है ना, तो इसको ब्लैंक होना चाहिए ना दोबारा, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको दोबारा ब्लैंक कर दिया जैसे ये अपलोड कर ले तो। एंड मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूं, अब दोबारा एक प्रोडक्ट को ऐड करूंगा मैं, ठीक है। देखिए यहां पर कैटेगरी भी नहीं है क्या, अच्छा ये हमारा बंद है, हम यहां पर एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, अब देखिए मैंने यहां पर मैं पहले ना इमेज को डिलीट कर दूं सारा यहां पर, ठीक है ना, फ्रेश दिखाऊंगा मैं अभी आपको। मैंने ये सारी इमेज, 6 इमेज है देखिए, 6 इमेज यहां पर आ गई दोस्तों, एंड मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है, एंड ये 6 इमेज यहां पर अपलोड हो गई है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको एडिट करूंगा एंड ओनली, ठीक है ना, 2 इमेज सिलेक्ट करूंगा तो ये बाकी रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इमेज को, मैं यहाँ नीचे आता हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 सिलेक्ट करी है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दोबारा रह गया, ये क्या रह रहा है लंबा चौड़ा। एरर स्टार्ट हुआ कहां से, अब कैसा एरर आ गया, अजीबोगरीब। देखिए इमेज तो वहां पर ये सारी रिमूव हो गई है ना, सारी इमेज जो हमने 6 इमेज अपलोड की थी वो रिमूव यहां से हो गई है, तो मैं इसको एक बार दोबारा चेक करता हूं, ठीक है ना। तो मुझे दोस्तों एक प्रोडक्ट को दोबारा ऐड करना पड़ेगा एंड एरर को देखना पड़ेगा, ये मल्टीपल में क्या इश्यू आ रहा है दोबारा। मैंने मानो यहां पर ये 2 इमेजेस अपलोड करी है, अब क्या बोल रहा है, ये हमारा बंद है, इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। अच्छा देखिए ये जो हमने, सही तो है, मैं एक ऐड करता हूं पहले, देखिए इमेज आ गई एंड देखिए ये आ चुका है हमारा। अब मैं इसके अंदर 2 इमेज है, ओके, एंड मैं इसके अंदर 3 इमेज और ऐड करूंगा, ये एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। लेकिन यहां पर ये इमेज तो डिलीट हो गई है, देखते क्या इशू है। बहुत लंबा चौड़ा एरर है, तो
नहीं कैसा एरर आ गया जी वो करीब। मैं इसको ये भी क्या करता हूँ, क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब दोबारा से चलाता हूँ, एंड मैं यहां पर कोई प्रोडक्ट को ऐड करता हूं। पहले मैं क्या करता हूँ, इस सारी इमेजेस को डिलीट करता हूँ, ठीक है। एरर का भी तो पता चले। मैंने 3 इमेजेस अपलोड करी एंड सेव, ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट रेटिंग को। ओके मैंने सेव कर दिया, तो ये 3 इमेज यहां पर आ चुकी है, ठीक है। एंड मैं इसी को एडिट करूंगा, इन 3 इमेजेस से देखिए ये इमेजेस अपलोड मतलब हुई तो है, एंड हमारा एरर देखिए यहां से आया हमारा एरर। अच्छा तो देखिए हमारा आई थिंक इश्यू ये वाला है, देखते हैं एक चीज जरा। मैं यहां पर ओपन करता हूं इसका, एडमिन को बंद करता हूं, एंड इसका मॉडल का ये प्रोडक्ट ओपन करता हूं। नहीं इसमें आईडी आ रही है, इंटीजर। ये एरर हमारा आ रहा है इस राउट के अंदर अपलोड वाले में, ठीक है ना। अच्छा देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इसको कमेंट कर दूं इस कोड को, इस कोड की वजह से ये हो रहा होगा हमारा, ठीक है। इस सर्वर हमारा चल रहा है, तो मैं दोबारा एक प्रोडक्ट को ऐड करूंगा, तो मैं पता चल जाएगा ना कि इस लाइन में हमारी प्रॉब्लम है। मैंने इसको ऐड करा, अब मैं इसको एडिट करता हूं। देखिए यहां पर एरर इसी लाइन में है हमारा, ठीक है। अब यहां पर हमको चेक करना है पहले ये चीज। अच्छा यहां पर आएगी तो ये प्रोडक्ट हमारा आ गया, एंड मैं इसको कमेंट करता हूं, हमारा इस लाइन में ही दिक्कत होगी, ठीक है। एंड मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। देखिए यहां पर ये अपडेट भी नहीं हुआ है ना, अपडेट भी नहीं हुआ है, देखिए ये हमारा। सो मैं एक प्रोडक्ट न्यू ऐड करता हूं, इसमें टेस्टिंग बहुत ज्यादा है, टेस्ट करने में सारा टाइम निकल जाता है। ठीक है मैं जाइए, एंड मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एंड मैं कुछ और इमेज यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। एंड देखिए ये इमेज तो मेरी अपलोड हो रही है, ठीक है। एंड मैंने 2 इमेज करी थी यहाँ पर सिलेक्ट आई थिंक, अब मैं 2 कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 आ रही है लेकिन,
ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसको हम ना आगे देखते हैं, मैं बता दूंगा आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एंड हमारा यहाँ पर तो प्रॉपर अभी हमने क्या सीखा कि हमने हमने क्या नाम है, आज की वीडियो में इसको एडिट करना सीखा प्रोडक्ट को, ठीक है। तो मैं पहले से सारा मैंने यहाँ पर सेव कर दिया प्रॉपर कोड, ठीक है ना। एंड मैं इसको एक बार देखिए, ये डबल में ही इशू हो रहा है ये। अब देखिए मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं। तो मैंने एक प्रोडक्ट अपलोड किया ये वाला, अब क्या बोल रहा है ये, इसको मैं देख लूंगा बाद में। मैं ऐड कर रहा हूं दोबारा, ये आ गया। एंड इसको एडिट करता हूं सिंगल इमेज से। तो देखिए दोस्तों ये सिंगल इमेज से तो अपलोड हो रही है, ठीक है ना। एंड आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, ठीक है ना। अगर मैं और वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से करेंगे इसमें, ठीक है, बनाना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।